अस्सलाम वालेकुम भाई, होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था किस तरह से आप हेडर और फुटर एडिट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। बेसिकली आपसे ऑनवर्ड मैं बात करूंगा डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शंस के अबाउट, जिस तरह से टेक्स्ट ब्लॉक्स को किस तरह से एडिट करना है, बटन्स को किस तरह से एडिट और कस्टमाइज करना है, इस तरह से जितनी भी एलिमेंट्स हो उनको डिटेल के अंदर इंडेप्थ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेक्शन के अबाउट। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मजीद जानते हैं कि सेक्शन को आप लोगों ने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और एडिट करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शन है सेक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है सेक्शन का। अगर आप लोग एक ऐड सेक्शन करना चाह रहे हैं इसके ऊपर की तरफ, मतलब ये सेक्शन बना हुआ है ये ब्लू लाइन्स के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, अगर इसके ऊपर आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे इसके ऊपर सेक्शन ऐड हो जाएगा। अगर इसको स्क्रॉल डाउन करो और इसके नीचे सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं जस्ट अपर दिस, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये कोर सेक्शन, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कोई भी तरह का सेक्शन। अभी के लिए मुझे कोई सेक्शन ऐड नहीं करना। अभी के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे इस सेक्शन की सेटिंग्स क्या क्या हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट सेक्शन, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फॉर्मेट, बैकग्राउंड और कलर्स। फॉर्मेट के अंदर आप पूरे सेक्शन के फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी फुल स्क्रीन को कम स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया, वो फुल स्क्रीन नहीं रही, छोटी स्क्रीन हो गई। आप इसको फुल स्क्रीन करना चाह रहे हैं फुल स्क्रीन कर लें। उसके बाद यहाँ पे इसकी हाइट को मीडियम रखना चाह रहे हैं, लार्ज रखना चाह रहे हैं, जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं, या फिर किसी किस्म की कस्टम रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको लार्ज रख देता हूँ। और यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर देखें डिवाइडर कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पर देखें और काफ़ी सारे डिवाइडर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से सेटअप कर दूँगा तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह का डिवाइडर आ गया ये, ओके। तो ये अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस वाले जो ये कर्व्स हैं और ये वाले जो स्टाइल्स हैं, शेप्स हैं, इनको आप मज़ीद इनकी हाइट विड्थ को ऐड कर सकते हो, स्मॉल, लार्ज और लार्ज, कुछ इस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो इसके साथ साथ अगर मैं बैक आ जाता हूँ वापस की तरफ, तो यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट है, ये सेक्शन की अलाइनमेंट, आपको सेंटर चाहिए और मिडल के अंदर चाहिए तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डिवाइडर, अगर मैं किसी किस्म का यहाँ पे डिवाइडर लगाना चाहूँ तो वो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडर लग जाएगा। तो मैं इसको अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, वापस उसी तरह से सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को चेंज करना है, वीडियो लगानी है बैकग्राउंड में, आर्ट लगानी है, इमेज को किसी तरह का इफेक्ट देना है आप लोगों ने तो वो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला इफेक्ट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक अजीब सा इफेक्ट यहाँ पे शो है, तो काफ़ी सारे बिल्ट इन इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास इसका ओवरले की ओपेसिटी है, इसको मैं कम ज़्यादा करना चाहूँ उनको मैं कर सकता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से इसको ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर हमारे पास है डिफरेंट कलर्स कि इस सेक्शन की जो कलर थीम होगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि डार्क रखना चाह रहा हूँ मैं इसको, ब्राइटेस्ट रखना चाह रहा हूँ, या फिर मिडल में कहीं रखना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको एडिट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे इस तरह से कुछ इसको सेट कर लूँगा। तो ये थी कुछ ऑप्शन सेटिंग्स की। और अब लेट्स सपोज हमें यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास सेक्शन से रिलेवेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे। आपको किस तरह का सेक्शन ऐड करना है, आपको पीपल्स का सेक्शन ऐड करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, सर्विसेज ऐड करनी है। लेट्स सपोज मुझे सर्विसेज ऐड करनी है, तो मैंने इसको ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए मुझे कुछ इस तरह से काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे नज़र आ गए। लेट्स सपोज मुझे ये वाला सेक्शन पसंद आया, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी के लिए मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आई होप आपको समझ आई कि किस तरह से आप लोग सेक्शंस की सेटिंग कर सकते हैं और सेक्शन के अंदर क्या क्या सेटिंग्स मौजूद होती है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप लोगों तक जरूर पहुँच सके।